हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है इसके अंदर एक तो मैंने आपको बताना कि फिल्मोरा डाउनलोड कहाँ से करना है, दूसरा ये है कि वीडियो स्क्राइब के अंदर आपको प्रॉब्लम होगी कि वहाँ पे कहाँ पे प्रोजेक्ट सेव करें और वहाँ से वीडियो बाहर कैसे निकालें, वो मैंने आपको नहीं था बताया, और बाद में हम फिल्मोरा के अंदर उसको एडिट करते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके तो इसको आप किसी फोल्डर में रख लीजिएगा, मैं इसे वैसे ही कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेने के बाद यहाँ पे आपके पास फोल्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये है इसका सेटअप, ठीक है, ये रहा इसका सेटअप। तो इसको आपने डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल कर लेने के बाद बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, इसमें कोई छेड़खानी करने वाली चीज़ तो है ही नहीं ना। तो इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक फोल्डर होगा, ये रहा मेरे पास, बस ऊपर चला गया। ये जो दोनों फाइल्स है ना, इन दोनों को आपने कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद पेस्ट कहाँ पे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लोकल ड्राइव सी में जाएं, प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पर डब्ल्यू लिखें तो वंडरशेयर फिल्मोरा लास्ट में होता है, और ये फिल्मोरा 9 है, इसके अंदर जाके आपने सिंपल पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये तो होगी इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने की बात। दूसरा वीडियो स्क्राइब के अंदर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, ठीक है। सीट कुशन, फॉग लैंप्स, अब आप चाहते हैं कि इसको वीडियो स्क्राइब के अंदर भी सेव रखें कि बाद में हमने इसके अंदर कोई एडिटिंग करनी हो तो वो भी कर सके, ये सेव का बटन है, यहाँ क्लिक करें। फाइल को कोई भी नाम दे देना है आपने, फोल्डर आप चूज़ कर लें, यहाँ से आप क्रिएट न्यू फोल्डर कर लें, जैसे फाइल का नाम दिया है फोल्डर को भी वैसे ही नाम दे देना और ओके कर देना है। अब ये मैं इसको पहले इसके अंदर सेव था, मैं इसको इसके अंदर रखना चाहता हूँ, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपने इसके अंदर प्रोजेक्ट सेव कर लेना है। उसके बाद अब ये वीडियो को बाहर कैसे निकालना है, ये आपके पास ये आ रहा है, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन, जूम एट दी एंड है जो, इसको आपने अनचेक रखना है। ऐड लोगो, यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हैं लेकिन यहाँ से रहने दीजिएगा, फिल्मोरा के अंदर लगा सकते हैं आप, मैं बताता हूँ। डाउनलोड वीडियो, अब इसका क्या सीन है कि आपने यहाँ से AVI सिलेक्ट कर लेना है। जब आपने किसी क्लाइंट को सैम्पल देना हो ना, तो आप 360, इसकी 360 रखनी है और यहाँ पे 30 रखना है, या बढ़ा सकते हैं। जब आपने किसी क्लाइंट को फाइनल वीडियो देनी हो ना, तो यहाँ पे फिर आप 1080p सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से 50 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर ओके कर देना आपने। ओके करेंगे तो ये नीचे से रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वीडियो मतलब बननी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसको सेव कहाँ पे करना है, मतलब कि फाइल लोकेशन कहाँ से चूज़ करें। उसके लिए ये प्रोसीजर है कि जब आप यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास नीचे भी एक रास्ता है, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना, ताकि कोई भी फाइल हो डेस्कटॉप पे जाके सेव हो, सिलेक्ट फोल्डर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है तो लिहाजा मैं चलता हूँ वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब मेरे पास ये वीडियो पड़ी हुई है, मैंने ऑलरेडी वहाँ से निकाली हुई है 360p में, वेलकम टू द जीरो, ठीक है। अब इसको खोलते हैं वंडरशेयर फिल्मोरा के अंदर, उसको एडिट करते हैं। मेरे पास वंडरशेयर फिल्मोरा कहाँ पर है भाई, ये रहा। अब इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास स्टार्टअप में कोई ना डायलॉग बॉक्स आएगा, न्यू प्रोजेक्ट, तो आपने न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने कर लेना है इंपोर्ट, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, कौन सी, वही जो आपने वहाँ से वीडियो स्क्राइब के अंदर से निकाली थी, जी। ओके करें आप, इसको ओपन कर लेना है। उसके ऊपर ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है, इसको ऐड कर लें, ये मैच टू दी कर देना है आपने यहाँ से, ओके हो गया। ये वीडियो आपके पास नीचे आ गई है, यहाँ पर इसको यहाँ से आप उठा के दाएं बाएं कर सकते हैं। ये आपके पास लाइन है, इसको आपने कहीं भी कर लें, मतलब कि कट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होती है ये, ठीक है, या किसी पॉइंट पर जाने के लिए। अब नेक्स्ट हम चाहते हैं कि इसके अंदर MP3 ऐड किया जाए सर। और दूसरा ये कि जब आपने क्लाइंट को अपनी वीडियो देनी है ना, सैम्पल वाली भी, तो उसके ऊपर वाटरमार्क लगाना है। तो चलें पहले वाटरमार्क बताता हूँ। टाइटल्स में जाएं, टाइटल्स में जाने के बाद फिर टाइटल्स में जाएं और ये पहले वाला सिलेक्ट कर लें। अब ये तो नीचे आ रहा है तो हमें तो ऊपर रखना है ना टेक्स्ट के, इसको हम ऊपर रख लेंगे। अब इसकी लेंथ हमने करनी है तो पहले मैं इसको बिल्कुल इस कॉर्नर में ले जाऊंगा। ये देखें, मैं इसको नीचे लेके आया ना तो वो वीडियो के दो पार्ट हो गए, ये प्रॉब्लम बनती है। इसका भी कोई इशू नहीं, इस पिछले पार्ट को सिलेक्ट करके इसके साथ जोड़ दें, ठीक है, इस तरह से भी हो जाता है। अब इसको मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ और इसको मैं खींच के ले जाता हूँ एंड तक, पूरी वीडियो में लगाना है क्योंकि हमने ये यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नेम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ओके हो गया।
आपने ओके कर देना है। ओके नहीं बल्कि आप यहाँ से इसका कलर जो है ना, जो वो आप चूज़ करेंगे ब्लैक, ब्लैक कलर चूज़ कर लेना है। और इसके बाद इसकी ओपेसिटी है ना जो आपने, वो आपने रख लेनी है तकरीबन इतनी सी काफ़ी है, चले इतनी काफ़ी है। ओके कर देना है। तो ये पूरे अब वीडियो के ऊपर टेक्स्ट भी आएगा। अब इसके अंदर लगाना है सारा MP3, ठीक है। आपके पास अगर MP3 पड़ा हुआ है म्यूज़िक तो बेहतर है, अगर नहीं है वीडियो के अंदर है तो MP3 भी यहाँ से इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स में से। और वीडियो है अगर मतलब कि म्यूज़िक जो है वो वीडियो की सूरत में, उसको भी मैं बता देता हूँ। मेरे पास तो भाई वीडियो की सूरत में म्यूज़िक पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं ये वाला है मेरे पास म्यूज़िक, तो अभी से मैंने ये जो पॉइंट है ना, मैंने आपको ये लाइन बताई थी, इसको आपने लाइन को उठा के पहले ये जो है ना, इसको खाली जगह पे लेके जाया करें, इस तरफ आगे ले जाया करें, ताकि यहाँ पे फाइल है, वरना आपकी जो ये वाली वीडियो है इसके पार्ट हो जाते हैं, जैसे ये टेक्स्ट नीचे आ गया था। इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास डाउनलोड्स में था वीडियो के अंदर, मैं चाहता हूँ कि ये वाला मेरे पास म्यूज़िक है भाई, ठीक है। इसको मैं प्लस के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब इसका मुझे सिर्फ चाहिए ऑडियो, ठीक है। ऑडियो के लिए मैं क्या करूँगा, डिटैच ऑडियो कर दूंगा, ठीक है। एक दफ़ा इसके साउंड सुनते हैं, ठीक है। अब वीडियो अलग अलग हो गई है, और ये जो आपके पास साउंड है ये अलग हो गई है। वीडियो के ऊपर क्लिक करें और ये उड़ा दें, इसको पकड़ें और पीछे ले जाएं, ठीक है। पीछे मतलब कि अपनी वीडियो के नीचे जो लगाना है हमने, इसको ये यहाँ पर एडजस्ट कर लें, यहाँ पर आ गया। अब प्ले करके देखते हैं स्टार्ट से वीडियो, स्टॉप का बटन दबाया, प्ले। अब देखिए जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत तेज़ है, इसको हमने स्लो करना है। इसके ऊपर डबल क्लिक करें, और यहाँ से मुझे यहाँ पर सूट करता है कि इसको मैं थोड़ा 12 के करीब कर लूँ। और अब ओके करके देखता हूँ कि अब क्या सीन है। यहाँ पे मेरे पास ग्राफ्स नहीं शो हो रहे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो आपके पास जैसे ये ऊपर वाली वीडियो के ग्राफ है ना, इस तरह भी शो होंगे। तो अब प्ले करते हैं। And the opposite side of the post-mortem house. We will try to deal in... देखें, अब आपने देख लिया है कि अब वो आवाज़ कम हो चुकी है। उसके अलावा इसके अंदर आपने फेड इन और फेड आउट लगा लेना है। फेड इन आपने इतना सा कर लेना और फेड आउट भी आपने इतना ही लगा लेना है, ठीक है। मतलब कि स्टार्ट में आवाज़ धीमी होगी और फिर आहिस्ता से तेज़ होगी, और एंड पे जाके तेज़ी से आराम से आहिस्ता हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप ऑडियो भी कट करना है, तो ये पॉइंट कहीं भी लेके जाएं, ठीक है। ऑडियो सेलेक्ट करें, कट कर देंगे यहाँ से। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक ले आएंगे, और फिर कट का बटन दबाएंगे, सेंटर वाला उड़ा देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी ये वाली सारी एडिटिंग करनी। अब लोगो कैसे लगाया जाए जी, अगर वो कस्टमर ही आपको दे देता है। इम्पोर्ट मीडिया फाइल्स करेंगे। अब जैसे कि मेरे पास अपना पड़ा हुआ है, यहाँ पर है मेरे पास ये वाला मेरे पास, ठीक है। अब ये वाला लोगो है, इसको मैं प्लस क्लिक करूँगा, ठीक है। अब ये वीडियो के ऊपर चाहिए मुझे, इसको मैं ऊपर रखूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये मुझे चाहिए पूरी वीडियो पे, तो इसको मैं ड्रैग करके पूरी वीडियो के ऊपर खींच के लेके जा सकता हूँ, यहाँ तक है वीडियो मेरी, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये बहुत बड़ा आ रहा है, तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। इसको मैं फिर किसी भी कॉर्नर में जाके अटैच कर सकता हूँ। मैं इस कॉर्नर में चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर आ जाए, तो लें जी यहाँ पर एडजस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑडियो हमें इतना चाहिए, तो ये बाकी वाला तो एक्स्ट्रा ना हमारे लिए। तो यहाँ पर ऊपर ला गया, आपने क्लिक करना है ये लाइन है ना, इसको यहाँ पे कॉर्नर पे लेके आना वीडियो के, उतना ही म्यूज़िक सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कट का बटन दबाएंगे, और ये आपने डिलीट का बटन दबा देना कीबोर्ड से। ले सर, आपकी फाइनल वीडियो रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब ये सारा ना, ये थोड़ा सा जस्ट अ सेकेंड, ये सब कुछ पीछे आ गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे डबल क्लिक करके सारा सिलेक्ट कर सकते हैं, और सारे को इकट्ठा ऐसे पीछे ला सकते हैं, ठीक है। और ये वाला आपका वीडियो का एक पार्ट अलग हो गया है, इसको भी मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ। लें जी, ये अटैच हो गया इसके साथ, ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने सेटिंग में जाके ना गुड चूज़ कर लेना है, ठीक है, गुड चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप ही चूज़ कर लेना है, ताकि डेस्कटॉप पे जाके सेव हो। उसके अलावा यहाँ से MP4 सेलेक्ट करना है। अगर यही वीडियो आपने MP3 में कन्वर्ट करनी है तो MP3 ले लें, ये लें MP3 में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो हमें MP4 में चाहिए। अब इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा, देखिएगा बहुत फास्ट हो जाएगा, ये जाके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। और अब मैं इसको वहाँ जाकर चला के दिखाता हूँ। अब
आप देख सकते हैं ये आपकी वीडियो का साइज भी कंप्रेस कर देगा और क्वालिटी में भी कोई फर्क नहीं आएगा। क्लोज कर रहा हूँ इसको भी, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये देखिए, वेलकम टू द ज़ियारोस, वी आर लोकेटेड नियर इस्लामिया कॉलेज रोड एंड, ठीक है ये मेरे पास लोगो आ रहा, म्यूजिक आ गया, सब कुछ आ गया। यहाँ से देखिएगा अब आवाज धीमी हो जाएगी एंड पे जाके जब हमने फेड आउट लगाया। अपवर्ड जीमेल, सो ट्राई टू कम एंड बाय विद अस, वी विल थैंकफुल फॉर योर मनी। आई थिंक फेड आउट ठीक से लगा नहीं है मुझसे, लेकिन वो आपने लगाना जरूर है। ठीक है यहाँ पर आवाज़ का थोड़ा मसला आ गया। तो इस तरह से आपने अपनी ये फिल्मोरा के अंदर एडिटिंग करनी है और वीडियो स्क्राइब से वीडियो अपनी बाहर निकालनी है। तो चले मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।